दोस्तों, आने वाले समय में हम फेसबुक और व्हाट्सएप को शानदार जुगलबंदी देखने को मिल सकती है। पता चला है कि दोस्तों, सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक एक नए फीचर की टेस्टिंग कर रहा है, जिसकी मदद से यूजर तेजी से फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच स्विच कर पाएंगे। ऐसा शॉर्टकट बटन के जरिए संभव होगा। दरअसल दोस्तों, कंपनी ने फेसबुक फीड में नया व्हाट्सएप शॉर्टकट यूजर के लिए उपलब्ध है। मेन्यू एरिया में नजर आ रहे व्हाट्सएप शॉर्टकट बटन का यूजर जैसे ही टैप करेंगे तो व्हाट्सएप ऐप खुल जाएगा। द नेक्स्ट वेब ने इसकी जानकारी सबसे पहले दी है। डेनिश भाषा में डिफॉल्ट लैंग्वेज चुनने वाले चुनिंदा यूजर को ही फीचर को देख पा रहे हैं। दोस्तों, मैंने भी इसमें ट्राई की थी, लेकिन मेरे फ़ोन में ये नहीं आया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बटन बहुत जल्दी हर किसी के फ़ोन में आ जाएगा। और दोस्तों, अभी ये भी साफ नहीं है कि व्हाट्सएप अकाउंट नहीं रखने वाले यूजर इस शॉर्टकट टैप पर करने पर क्या होगा। तो दोस्तों, कयास लगाए जा रहे हैं कि फेसबुक इस फीचर के जरिए व्हाट्सएप यूजर की संख्या बढ़ाने के जुगाड़ में, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिम देशों में बहुत ज़्यादा लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अनुमान ये है कि कंपनी अभी इस फीचर की टेस्टिंग चुनिंदा देश में ही कर रही है, और दोस्तों साथ में यूजर की प्रतिक्रिया देखने के बाद ही बाकी देशों में इसे रोल आउट करेगा। दोस्तों, जैसा कि पता है कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में खरीदा था, इसके बाद से ही कंपनी दोनों ही प्लेटफॉर्म में एक दूसरे के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। पिछले साल कंपनी ने कुछ यूजर्स के व्हाट्सएप ब्यूरो का इस्तेमाल विज्ञापन और अन्य के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। प्राइवेसी के लिए हिमायत यूजर ने व्हाट्सएप के कदम को बहुत विरोध भी दर्ज किया था। दोस्तों, ये था फेसबुक का नया अपडेट जो कुछ देशों में आया है और अपने देश में भी आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।